नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट आती है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें से जो सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी इंडेक्स को दिया जाता है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज आप अपने पेपर टू में एक्सटेंसिव तरीके से यूज कर सकते हैं, खास करके ऐसे के टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि इससे अगर आप कोई भी रेफरेंस लेते हैं तो आपके क्वेश्चन के अंदर कम से कम, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि एक नंबर का इजाफा जरूर होने वाला है। तो आप इस लेक्चर को पूरे तरीके से देखिएगा। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें आपको बता रखी हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आज का रिसेंट का कंटेक्स्ट क्या है, हम इस इंडेक्स को पढ़ क्यों रहे हैं, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो क्या क्या होती है, क्या उसके अंदर दिया जाता है, आज के रिसेंट टाइम के अंदर जो फेमस ऑथर्स हैं जैसे कि आपके अमृत सेन है, तो उन्होंने उसके बारे में क्या बोला है, फिर आपके और जो कंपोनेंट्स आते हैं क्या कैसे कंपोजिशंस होते हैं, फिर क्या इसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे हैं, वो सभी भी हम इसके बारे में बताएंगे। और एट द एंड हम आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडिंग 2022 के लिए एक मॉक एसे भी देंगे, यानी कि उसको आपको लिखना है और आपको सेल्फ इवेल्युएट करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन रहे। तो दोस्तों, हमारे इस डिफेंस स्टडीज के चैनल पर हमने एक लेक्चर सीरीज तैयार की जिसका नाम है फैक्टोलॉजी, ये उसका लेक्चर 7th है। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसको यहाँ से देखना है पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रिसेंट का कंटेक्स्ट कि आज के टाइम पे कंटेक्स्ट क्या है। बेसिकली दोस्तों क्या है, 2019 में पहले एचडीआर ने यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया था। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले तो होता है यूएनडीपी, यानी यूएनडीपी नाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएन का पार्ट है। इसके अंदर एक अलग से बॉडी है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करती है, या फिर एचडीआर इसको मान लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अपने अलग अलग तरीके के कई सारे इंडेक्स निकालती है, उनमें से एक इंडेक्स है उसका नाम है आपका एचडीआई, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये सबसे ज्यादा वेटेज इसी को दिया जाता है। तो अभी 2020 के अंदर इसकी जो इंडेक्स के अंदर रैंकिंग आई है इंडिया की, वो है आई 131, और जो 2019 के अंदर कितनी थी दोस्तों, 129 थी। तो यानी हम अब दो रैंक पीछे खिसक चुके हैं, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो अभी डिक्रीज हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, 2020 वाला जो इंडेक्स है ना, उसके बाद अभी तक इंडेक्स आया नहीं है इनका, तो 2020 वाला जो इंडेक्स है, 2020 वाली जो रिपोर्ट है, उसके अंदर एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, वह प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों ये बहुत कीवर्ड है, ये आपके आपको ये नोट डाउन करना है ढंग से। तो ये प्लेनेटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है क्या, है क्या इसकी चीज है, और हम इसके बारे में ही इस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लियरली जो फ्रंट पेज है या फिर आपका जो कवर पेज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उसके ऊपर ये चीजें लिखी गई है। उसके अंदर ये बताया गया है कि जो कंट्री का पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है और मटेरियल फुटप्रिंट है, वो किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये है आपका क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यूएनडीपी ने इसको जारी किया है, 2020 वाली है। इसके अंदर क्या लिखा गया है, द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट इन द एंथ्रोपोसिन। एंथ्रोपोसिन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि एंथ्रोपोसिन क्या होता है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो पूछ ही सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, एक कोट आता है दोस्तों अमृत सेन का, यानी अमृत सेन का क्या कोट आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज अनसस्टेनेबल एंड अनएथिकल। यानी कि वो एक तरीके से ये बता रही है, आपको इनकम कितनी क्रिएट हो रही है इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, तब तक आपने जो पैसा कमाया है या जो भी आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो अनसस्टेनेबल है और अनएथिकल है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अब एक एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड अमृत सेन डिफाइन एचडीआई। तो उन्होंने एचडीआई के उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया, या तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन आपने सीधी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच में वो क्या करते हैं, वो किसी भी पैसे से ज्यादा जो स्ट्रेस है या इन्फोर्स है वो किसको करते हैं, वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच कह लीजिए, कैपेबिलिटी अप्रोच कह लीजिए, तो ये उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं उनको ये रिलीज करती है, जैसे कि उसमें सबसे पहले क्या गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया। उसके बाद क्या है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आ गया, फिर आ गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में भी हम एक एक लाइन बाद में, मैंने इसके ऊपर एक टेबल बना के वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब आता है कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हमें दिखे हैं, क्या इनके अंदर की पॉइंट्स हमें देखेंगे हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो आपका एचडीआई है वो किस चीज के ऊपर स्ट्रेस देता है, वो देता है कैपेबिलिटीज के ऊपर, यानी किस तरीके से किसी कंट्री की जो कैपेबिलिटीज है ह्यूमन्स की उनको बढ़ाया जाए ताकि वो कंट्री के डेवलपमेंट में साथ दे, ठीक है। और उन्होंने ये बात भी बोली है कि जो कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है वो अकेले इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं हो सकती, उसके लिए आपको जो ह्यूमन है उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उन्होंने इसको मापने के लिए कुछ पैरामीटर्स ले रखे हैं, और वो पैरामीटर्स कितने हैं, वो तीन पैरामीटर्स है। क्या क्या है वो, द लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी हेल्दी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा, एक्सेस टू नॉलेज या एक्सेस टू एजुकेशन। तीसरा क्या है दोस्तों, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीन चीजें उन्होंने
ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बेसिक पैरामीटर ले रखे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि जो 1990 का आपका टाइम था, 1990 के टाइम से और आज के टाइम पे आने के बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यूज है वो इंडिया के लिए काफी बढ़ गई है। पहले जो लेवल था आज के टाइम पे हमारा जो कंडीशन है वो डेफिनेटली एक तरीके से इंप्रूव हुआ है। पहले हमारी जो वैल्यू थी इसकी HDI की वो थी 0.429 थी, जो कि आज के टाइम पे कितनी हो चुकी है 0.645। ठीक है दोस्तों, तो इतनी हो चुकी है। अब उन्होंने ये बात बोली है साथ में कि जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी वो लगभग 12 साल तक इंक्रीज हो गई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो मीन ईयर ऑफ स्कूल है यानी एक बच्चा कितने एवरेज साल स्कूल में बिताता है उसमें भी इंक्रीज हुआ है 3.5 साल का। और जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल है यानी मान लीजिए पहले कोई बच्चा 5 साल जाता था तो अब वो 4.5 साल और बढ़ा देगा, यानी वो अब कितने साल जाता है 9.5 साल जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि GNI पर कैपिटा ऑफ इंडेक्स, ठीक है, वो कितना बड़ा है, वो भी लगभग 274% बढ़ गया, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स और निकाली है जिसके अंदर उन्होंने चैलेंजेस के बारे में बेसिकली डिस्कस किया है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही 2020 का साल लगा था उसके बाद से ही हमारा कोरोना 19 आउटब्रेस्ट आया था। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया था, जो इनइक्वालिटीज थी यानी कि जो रिच लोग थे वो रिच ही रह गए और जो पुअर थे वो और भी ज्यादा पुअरिटी की कंडीशन में जाने लगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी जो चीजें थी, क्योंकि पुअर पीपल को अगर नहीं पता है तो कहां पर काम कर सकते हैं, बेसिकली वो काम या तो किसी दूसरे घर के अंदर कर सकते हैं क्योंकि उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इनफॉर्मल सेक्टर से होता है और इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं वो बंद कर रखी थी, लॉकडाउन वगैरह लगा रखे थे जिससे कि वो अपने काम पर ही नहीं जा पाए। उसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटीज थी उनके बीच में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और वो इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो गई तो बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो डिक्रीज होगा, यानी कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो भी एक तरीके से डिक्रीज ही करेगी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला चिल्ड्रंस को लेकर, क्योंकि चिल्ड्रंस को ये बोला जाता है कि यही फ्यूचर है आपके, और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर अगर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आपको किसी के अंदर करनी है वो है चिल्ड्रंस के अंदर। तो बेसिकली क्या बताया कि जो इंडिजिनस चिल्ड्रंस है कहां के, कंबोडिया, इंडिया और थाईलैंड, हालांकि ये लगभग साउथ ईस्ट एशियन या साउथ एशियन कंट्री में हर जगह ये चीजें लागू हो सकती है, लेकिन उन्होंने 3 चीजों का बोल रखा है तो हम उनको ही पढ़ेंगे। तो कंबोडिया, इंडिया और थाईलैंड के अंदर जो इंडिजिनियस चिल्ड्रन है यानी वहीं के लोग हैं, वहां पर उन्होंने माल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिले, और माल न्यूट्रिशन में अलग अलग चीजें आती है, उसमें भी स्टंटिंग और वास्टिंग सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज इन्होंने चिल्ड्रंस के अंदर क्या देखी है, वो बोला है कि अलग अलग जगह पे जो पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट डिफरेंट पाया गया है, और साथ में ही उन्होंने क्या बोला है कि कई जगह पे तो ऐसा है कि जो गर्ल्स की हेल्थ और एजुकेशन है वहां पर अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो गर्ल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिली है बॉयज के मुकाबले में। ठीक है, फिर उसको बाद में इन्होंने क्लाइमेट चेंज से भी इसका लिंक जोड़ दिया था। अब आते हैं तीसरी डेवलपमेंट के बारे में, वो क्या बोल रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट इन 2020। तो डिस्प्लेसमेंट इन 2020 कैसे दोस्तों, पहली बात तो कोरोना आउटब्रेक की वजह से डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होने लगी। ठीक है, लोग शहरों को छोड़कर अपने अपने गांव में जाने लगे थे, बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट हाँ ये सभी को पता है कि उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, साइक्लोन अम्फान आया दोस्तों। साइक्लोन अम्फान कहाँ पे है, बांग्लादेश और इंडिया के जो पेरिफेरल बाउंड्रीज है वहां पर इसकी बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट हुआ, जिसकी वजह से लार्जेस्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट इवेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो 2020 के बिल्कुल फर्स्ट हाफ में, पहले 6 महीने के अंदर जितना सबसे ज्यादा आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला वो इस जगह पे देखने को मिला है। तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि लगभग 3.3 मिलियन लोगों का इवैक्यूएशन किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम अदर इंडिसेस के बारे में, क्योंकि मोस्टली तो हमने जो HDI के बारे में तो पढ़ लिया है, अब हम उन अदर इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या बोलती हैं। तो बेसिकली एक अदर इंडिसेस वो है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इसमें इनइक्वालिटी को मेजर किया गया है, और इनइक्वालिटी को मेजर कैसे बोला गया है, तो इंडिकेट्स परसेंटेज लॉस इन HDI ड्यू टू इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी की वजह से जितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर डिक्रीज आया है ये उसको मापता है। दूसरा क्या है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया जेंडर रिलेटेड जितनी भी मेजर डिस्पैरिटीज हैं उनको यहां पे डाला गया है। तीसरा क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, देखिए ऊपर वाला तो है डेवलपमेंट इंडेक्स, ये है इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर उन्होंने 3 डायमेंशन ले रखे हैं, इन 3 डायमेंशन के बेसिस पे जज करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और द लेबर मार्केट। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो बेसिकली ये बोलता है कि आपकी जो पॉवर्टी है वो सिर्फ इनकम से रिलेटेड नहीं है कि 2000 से नीचे कमाने वाला ही सिर्फ पुअर है, उससे ऊपर वाला पुअर नहीं है, मतलब कोई भी ABC कोई भी एम्बिगस डाटा किसी का भी दिया जाए इनकम से रिलेटेड वो आपकी पॉवर्टी नहीं है। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहा है कि उनकी ये देखो हेल्थ कैसी है, इनकम के साथ यानी हेल्थ भी देखनी है, इनकम के साथ आपको एजुकेशन भी देखी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखना है, साथ में आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, वो किस तरीके से स्किल्स उनको मिल रही या नहीं मिल रही, वो पब्लिक रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो सारी चीजें उनकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आएंगे।
दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको देते हैं क्वेश्चन, आपको कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन को लिखना है। तो ये क्या है, विदाउट इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन कैपिटल द गोल ऑफ बिकमिंग ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विल रिमेन ए पाइप ड्रीम फॉर इंडिया। डिस्कस, आपको डिस्कस करना है या फिर डिस्कस किस जगह पे आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है बेसिकली इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे कितने मार्क्स है, ऐसे 100 मार्क्स का है, आपको कितने वर्ड लिखने, 300 वर्ड लिखने। अगर आपको दोस्तों ऐसे नहीं लिखना है तो बेसिकली मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ कि आपको 3 लाइन पे ऐसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और सोल्यूशन। बॉडी के अंदर कम से कम भी आपके 3 पैरा होने चाहिए, आप इन पैराज को बढ़ा सकते हैं, घटाने नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना है कि किस तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आप उसका यूज करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किस तरीके से दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तो आप इसको बताएंगे। उसके बाद बॉडी में आएंगे, बॉडी के अंदर आपको फर्स्ट पैरा के अंदर लिखना है जो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है, और जो हमारा गोल है जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो क्या है, और इन दोनों को हम किस तरीके से एक लेवल पे लेके आ सकते हैं। दूसरा क्या बताना है, हाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प इन अचीविंग दैट गोल। तो इसके अंदर हमें डिटेल में बताना कि ये चीजें हम यूज करेंगे इसको गोल को अचीव करने के लिए। तीसरा पैरा क्या है, तीसरे पैरा में फिर कुछ ना कुछ उन जो गोल्स अचीव करने के जो हमने सॉल्यूशन दिए हैं उनमें कुछ मेजर हर्डल्स रहेंगे। फिर चौथे में या फिर लास्ट में आपका सॉल्यूशन आएगा, उसके अंदर आपको सजेशन देने किस तरीके से आप उन हर्डल्स को या फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे या बाईपास करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन देना है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है। साथ में ही अगर आपको अपना जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से दिखाना है तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स का यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का यूज कर सकते हैं, या लोकल बेस पे कोई भी केस स्टडीज आप उसका यूज कर सकते हैं, डाटा फिगर है किसी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी इनिशिएटिव है, आप हर जगह से आप इसका यूज कीजिए और अच्छे से अपने जो आंसर है उसको एनरिच कीजिए। बढ़िया बढ़िया जितने ज्यादा वर्ड होंगे, जितने कीवर्ड होंगे आपके उसके ऐसे के अंदर, आपको उतने ही मार्क्स फेच करने में आसानी रहेगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे डिफेंस स्टडीज का जो प्लेटफॉर्म है इस पे एक समाधान नाम से कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसका पहला बैच था वो पहले स्टार्ट हो चुका था, अब ये सेकंड बैच है। सेकंड बैच के अंदर क्या है, हमने टेस्ट 1 जो आपका रिलीज हो रहा है वो 5 फरवरी से रिलीज हो रहा है, यानी कि आज से ही रिलीज हो रहा है। आपको इसके सबमिशन करने हैं आंसर्स के कल की डेट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी हो, तो आप इस समाधान कोर्स को हमारे ऐप के अंदर से लेकर जुड़ सकते हैं। इसके अंदर हम आपको एक डिटेल्ड मैनर में और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में ही आपके लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले सीएपीएफ असिस्टेंट फंडिंग 2022 के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अंदर आपको हर तरीके से हेल्प मिलेगी और हर तरीके से टूल्स और ट्रिक्स को डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से आप खुद को सेल्फ एम्पावर कर सकते हैं, खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं कि बिना किसी दबाव के आप क्वेश्चन को लिख पाएं और बहुत आसानी से आपके इजिली 100 या 100 से प्लस मार्क्स आए, ठीक है। इसके अंदर साथ में क्या है, अभी रिसेंटली ही हमने क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के जो लेक्चर्स है जो कि 2022 को अपडेटेड है वो हमने सारे के सारे इसके अंदर रिलीज कर दिए हैं। उसके बाद फैक्टोलॉजी नाम से सीरीज है जो कि आप अभी लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, ये फ्री सीरीज है, उसके अंदर हम और भी चीजें लेकर आने वाले हैं। उसके बाद है आपकी रिपोर्ट राइटिंग के लेक्चर्स अपडेटेड है, आर्गुमेंट राइटिंग और बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ से आराम से इसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप थोड़ा सा भी चीजें अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8930919491 के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं defensestudy07@gmail.com के ऊपर। हमारी अदर डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारी एप्लीकेशन का QR कोड है, आप इसको यहाँ से स्कैन कीजिए और आप भी सीधा डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सीधा डिफेंस स्टडीज नाम की जो ऐप है एंड्रॉइड के अंदर डाले कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।